शोल्डरों के बाहर हाथ पसंद
गुड मॉर्निंग। देख कल हमने आपको नेक्स्ट का बताया था, कल मैप में दिखाया था कि लेक्स वगैरह का जो है कौन सी लेक कहां पर थी, जरा उसको हम थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं। देखिए लेक्स ऑफ इंडिया की जब हमने बात की थी तो लेक्स क्या होती हैं, झीलें जो होती हैं वो भूतल के विस्तृत गड्ढे जिनमें विभिन्न स्रोतों का जल भरा होता है, कहीं से भी हो सकता है भाई, नदी का जल हो सकता है, किसी नदी किनारे बना हो, समुद्र से आकर के बना हो, ठीक है ना। दो प्रकार की लेक्स होती है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, एक प्राकृतिक होती है जो बनी होती है, एक आर्टिफिशियल बनाई जाती है। दोनों बताए थे, जैसे पेरियार, पेरियार आपके आर्टिफिशियल है। इतने प्रकार से इनको बताया गया है, मतलब कुछ झीलें होती हैं जो मीठे पानी की होती हैं, कुछ खारे पानी की होती हैं, ग्लेशियर लेक्स जो ग्लेशियर के पिघलने से बनता है बताया भी था, ठीक है ना, जैसे चौड़ा बाड़ी ग्लेशियर पिघल के गांधी सरोवर झील बना दिया था। क्रेटर लेक, ऐसी एक झील बताई थी हमने आपको, लोनार, लोनार झील बताई थी जो महाराष्ट्र में थी, चिकोलरपिन के गिरने से बनी थी, आर्टिफिशियल जो बनती है। मीठे पानी की आपको हमने वूलर बता रखी है, खारे पानी की आपको सांभर बताई हुई है, चिल्का बताई है, ठीक है ना, ये इस तरह से इनकी है। ऑक्सबो लेक क्या होती है, जिनको गोखुर झीले कहा जाता है। ऑक्सबो लेक क्या होती है कि वो कुछ सर्पीले आकार के जब नदियां चलती हैं, जैसे अपनी सीधी रेखा में नहीं जाती, जैसे ये देखो आप इस तरह से, व्हेन मियांड्रिंग रिवर्स इज कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम, कुछ ऐसी नदियां वो सीधे ना जाकर के अलग अलग सर्पीले आकार में जाती हैं, और कुछ समय बाद क्या होता है उनका जो एक पोर्शन होता है वो कट के अलग हो जाता है, जैसे ये वाला पोर्शन, तो ये जब कट के अलग होगा इनका ये पोर्शन, तो ये नदी सीधे निकल जाएगी, जैसे ये नदी है इसकी बात कर रहे हैं, तो ये नदी ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो ये फिर ये सीधे ऐसे चली जाएगी और इसी के पास ये एक ऐसा बन जाएगा, यही गोखुर झील होगा जो इससे अलग होकर के अरे गाय भैंस नहीं देखे हो, उनके पैर जो खुर होते हैं वो वैसा बन जाता आकार का, तो वैसा ही ये आपका होता है, ठीक है, इससे आकार का बन जाएगा। तो ये मेन रिवर्स होगी, ये विशर्प नदी होती है, इसको बोलते हैं विशर्प नदी, शर्पीले आकार में जाती है और उसी से वो कुछ समय के बाद अलग हो जाती है, तो उसे ही गोखुर झील कहा जाता है, ठीक है। लैगून झीलें क्या होती हैं, एक उथला जलाशय जो प्राय प्रवाल भित्तियों के अथवा बालू द्वारा समुद्र से अलग बना रहता है, तटीय स्थानों पे बनता है, जैसे हमने आपको लैगून वाला बताया था, पेरियार की तरफ जो एक बना था आपका अष्टमुडी, वो सब लैगून झीले बताए थे कि जो कोरल रीफ्स के या बालू द्वारा समुद्र से अलग बना रहता है, मतलब समुद्र में मिलेगा नहीं बीच में, क्योंकि बालू का टीला होगा, तो एक तरफ झील होगी और एक तरफ पूरा समुद्र होगा, लेकिन समुद्र का पानी आ सकता है, मतलब एक तरफ से समुद्र का पानी आ सकता है उसमें। केरल की जितने लैगून झीले होते हैं उन्हें कयाल कहा जाता है, केरल की जो झीले होती है उन्हें कयाल कहते हैं, ठीक है ना। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वूलर है, जम्मू कश्मीर में बताया हुआ है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लोकटक झील मणिपुर। ब्रैकिश वाटर या लैगून झील, खारे पानी की, खारे पानी की। चिल्का जो सबसे बड़ी है उड़ीसा में। इनलैंड सॉल्ट वाटर, सांभर बताया था आपको। लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, वेम्बनाड केरल, 96.5 किलोमीटर। हाईएस्ट लेक चोलामू, याद आ रहा है कल की क्लास में मैप में दिखाए हैं सबसे। किम रामसर साइट क्या होती है, रामसर साइट वो होती है, रामसर एक जगह है ईरान में, यहाँ पर एक समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को कि जितनी भी वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, जो भी आर्द्र भूमि है उनको संरक्षित किया जाएगा। जैसे सुंदरवन का डेल्टा या आपका एक वेटलैंड में, तो ये एक रामसर साइट में घोषित हो सकता है वो रामसर साइट। बहुत ऐसी जगह है आपके, अभी 2 नए रामसर साइट बनाए गए हैं,
खिजादिया और बखिरा दो नए रामसर साइट आए हैं, एक गुजरात में बना है और एक आपका बना है यूपी में, ठीक है। दो जगह नए आए हैं आपके, एक खिजादिया वन जीव अभ्यारण्य और एक दूसरा बना है बखीरा। तो खिजादिया वाला जो है वो गुजरात में है और जो बखीरा वाला है वो यूपी में है। तो रामसर साइट वो है जो वेटलैंड जो होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए होता है। ईरान में एक जगह है रामसर जहां पे संधि 1971 में हुई थी, इसी वजह से रामसर साइट का नाम दिया गया है। क्लियर है? अब टोटल लगभग 49 के आसपास हमारे हो गए रामसर साइट, आज की डेट में अगर देखें तो लगभग 49 रामसर साइट हमारे हो गए हैं, लगभग 49 के आसपास। पहले 42 थे एक दो साल पहले और अब तक ये लगभग 49 के आसपास हो गए हैं, ठीक है। लागू कब हुआ था? ये 1975 में हुआ था, ये डेट याद रखिएगा, अडॉप्टेड वाला रामसर साइट 2 फरवरी 1971 को ये संधि हुई है, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये एक ऐसी रामसर साइट जहां पे इकोलॉजिकल चेंजेज हुए हैं या हो रहे हैं, जैसे केवलादियो लोकतक झील, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। देखो रामसर साइट तो है, ये रामसर साइट भी है। क्यों रामसर साइट है? क्यों केवलादेव घाना पक्षी विहार, पक्षियों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, आके यहाँ पे रुकते हैं, भरतपुर में पड़ता है। और लोकतक झील तो है ही है आपका, पूरा एक पानी पे तैरता हुआ ही है, पूरा आर्द्रभूमि है। तो ये चेंज होते हैं, क्यों? एक जैसे नहीं रहते ये, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उनको रखा जाता है जो रामसर साइट तो हैं लेकिन जो स्थिर नहीं है। स्थिर अब लोकतक झील स्थिर नहीं है क्योंकि वो पानी में तैर रहा है, उसके ऊपर पर कुछ जमीनें हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं, आज तुम्हें यहाँ दिख रही है तो कल वो कहीं दूसरी तरफ पहुंच जाती है। तो कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस जिसके अंदर हो रहे हैं उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख दिया जाता है वो रामसर साइट की तरफ से ही। तो ऐसे मानसर साइट जिनमें बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं उनको एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखने का प्रोसेस है। पेरियार झील कृत्रिम झील है जो पेरियार नदी से पानी प्राप्त करती है। अष्टमुडी झील केरल की पश्चिम लैगून झील है जो समुद्र की ओर खुलती है। फुलहर झील पीलीभीत यूपी मांदोटांडा के पास गोमती नदी की उत्पत्ति फुलहर झील से। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, ये तो हो गया। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभपंत सागर जो रिहन नदी नाथ पर बनाया गया है। तीस्ता नदी का उद्गम क्या था? चुलामू झील। लोनार नदी, लोनार झील क्या थी? आपको बताया था यही एक उल्कापिंड से बनी हुई है, क्रेटर झील है जो महाराष्ट्र में गिरा उल्कापिंड और वो गड्ढा बना दिया। उल्कापिंड क्या होते हैं कि आपके गैसेस वगैरह जो अंतरिक्ष में है, गैसेस वगैरह और बर्फ, उनके धूल कण इनके मतलब पिंड होते हैं। जब पृथ्वी की तरफ वो गिरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी है कि उसको जला देती है, तो काफी तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ उल्कापिंड जमीन तक पहुंच जाते हैं। वो जहां गिरते हैं वहां एक गड्ढा टाइप का बन जाता है और अगर समय के हिसाब से उसमें पानी भर गया तो वो एक झील का रूप ले लेता है। ऐसा ही वो लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है आपका। उकाई झील कहां पर है? आपकी ताप्ती नदी पर बनी है, गुजरात। मानव निर्मित झील है यानी कि कृत्रिम झील है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट। पहली कौन है? चिल्का। पहली लैगून, सबसे बड़ी लैगून झील पहली चिल्का है, दूसरी कौन सी है? पुलिकट है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, हमने बताया था 84% आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 16% तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक द्वीप आपका श्री हरिकोटा द्वीप और श्री हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? मानसबल है। तुंगभद्रा झील, तुंगभद्रा नदी जहाँ रहेगी, तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटक में, तो वहीं पर आपका ये तुंगभद्रा झील बनाया गया है इसी नदी से पानी लेकर। और मानव निर्मित लिखा है ना, कृत्रिम में बनाया गया है, उस नदी का पानी ऐसे किया गया है कि तुंगभद्रा झील में आ सके। हुसैन सागर से झील, उस्मान झील, ये सब किसमें है? तेलंगाना में। ये सारी बातें हमने आपसे की थी, ठीक है, जब हमने मैप दिखाया था आपको, उस मैप में हमने झील ये रही झील, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां से हमने कई सारी आपको झीलें दिखाई थी, जैसे आपको केरल में दिखाया था, देखो केरल में आपको क्या दिखाया था? वेम्बनाड,
कौन सी झील थी? वेम्बनाड थी, ये केरल वाली, यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप है, वेम्बनाड सबसे लंबी झील थी ये। अष्टमुडी आपको बताया था, केरल की फर्स्ट लैगून से लोग प्याल कहते हैं, अष्टमुडी झील एक यहाँ पे बताई आपको हमने। सस्थमकुट्टा बताया था, तीन झील जो सबसे इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, वेम्बनाड, अष्टमुडी, सस्थमकुट्टा, पेरियार भी है यहाँ पे, एक और थी, कौन सी थी? पेरियार थी। तो पेरियार, वेम्बनाड, अष्टमुडी और सस्थमकुट्टा। इधर आपको तमिलनाडु में वीरानम, चेम्बरमकम, पुलिकट ये बताया था आपको, देखो ये वाला स्थान दोनों की बाउंड्री पर था। आंध्र प्रदेश में 84, तमिलनाडु में 16, हरिकोटा द्वीप था और इसको सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है यहाँ पर, सतीश धवन ठीक है, प्रक्षेपण केंद्र था यहाँ पर। यहाँ पे तेलंगाना का जो अभी दो नाम आया, एक हुसैन सागर है, एक उस्मान सागर है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। चिल्का आपको बताया था सबसे बड़ी झील थी आपकी, लोनार ये है जो क्रेटर झील है, जहां पर वो गिरा है उल्कापिंड और ये बना है वो लोनार है महाराष्ट्र में। यहाँ पर पोवई झील भी है, यहाँ पर गुजरात में नल सरोवर और उकाई झील, ठीक है। इस तरह से हमने आपको बताए थे कई सारी झीलें। चलिए तो समझ में आ गया सबको क्या पॉइंट हमने आपको बताया स्टूडेंट्स? चलिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए जिससे आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएं। तो हमने आपको बताया, यहां से ध्यान दीजिएगा, रिवाइज करिए, सब याद हो जाएगा। सबसे पहले हमने लेख, इसमें आप डिफिनेशन से ज्यादा कुछ आता नहीं है, नेचर ये भी कोई मतलब नहीं है, ये सब कुछ पूछते नहीं। हाँ टाइप पूछा जा सकता है, तो टाइप में आप अपना रख सकते हैं कई प्रकार से। हाँ ऑक्सबो लेक इंपॉर्टेंट है, एक मियांड्रिंग रिवर होती है जो सर्पिल आकार की चलती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है यानी कि जब खत्म हो रही होती है तो उसी का एक पार्ट निकल करके एक झील का रूप ले लेता है, वही आपका होता है गोखुर झील। जैसे हमारे जानवर वगैरह के पैर के खुर होते हैं नीचे, उसी तरह से वो बन जाती है, तो इसीलिए वो गोखुर झील कहलाती है। जैसे ये बन गई है, ये इसी से अलग हुई है, ठीक है ना, और मेन स्ट्रीम अपनी निकल जाती है आगे। लैगून झील ये समुद्री तटों पर मिलेंगे जहाँ पे खारा जलाता होगा, यानी कि जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, जो तटीय इलाके हैं बिल्कुल वहां पर मिलती हैं लैगून झीलें, ठीक है ना। खारे पानी का रहता है, लेकिन समुद्र और झील के बीच में एक बालू जैसा स्थान रहेगा जिससे कि मतलब वो थोड़ा सा अलग रहे समुद्र से, है ना। इसके बाद अगर हमने आपसे कहा कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर हमने आपको बता दिया वूलर है जो जम्मू कश्मीर में है। नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर किसको कहते हैं? लोकटक को कहते हैं। ब्रैकिश वाटर या लैगून झील जो लार्जेस्ट लैगून झील या खारे पानी, लैगून मतलब खारा पानी हो ही गया, लैगून शब्द मतलब खारा पानी, तो कौन है? चिल्का है। चिल्का कहाँ पड़ती है? ओडिशा में पड़ती है। इनलैंड जो जमीन से पूरा घिरा हुआ है लेकिन वो सॉल्ट वाटर है, खारे पानी का सांभर है वो। लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? वेम्बनाड है केरल में। सबसे ऊंचे स्थान पे कौन है? चोलामू है। रामसर साइट कौन होती है? जो वेटलैंड स्थान होते हैं उनके संरक्षित करने के लिए एक संधि की गई थी ईरान के रामसर में 1971 2 फरवरी, ठीक है। आज की डेट में लगभग 49 हमारे रामसर साइट हैं और दो हमारे नए बने हैं, एक गुजरात में खिजादिया और एक यूपी में बना है आपका बखीरा, दोनों याद रखना करंट अफेयर के लिए। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वो होते हैं ऐसी रामसर साइट जिसमें चेंजेज हो रहे हैं, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में चले जाते हैं। जैसे हमारा केवलादियो धाना पक्षी विहार भरतपुर में है और एक जो लोकटक झील आपकी मणिपुर वाली है। पेरियार झील कैसी झील है? पेरियार एक कृत्रिम झील है, ठीक है। किस नदी से पानी प्राप्त करती है? पेरियार से। अष्टमुडी झील केरल की फर्स्ट लैगून झील है जो समुद्र की ओर खुलती है, ठीक है, मतलब ये लैगून झील है, ये ध्यान रखना, इसका मेन पॉइंट होता है ये कि अष्टमुडी कैसी झील है, तो आप याद रखेंगे ये लैगून झील है। लैगून झील वो होती है जो खारे पानी की होती है, समुद्र के पास बनती है लेकिन बालू के टीले इकट्ठे हो जाते हैं तो अलग हो जाती है। फुलहर झील यूपी के पीलीभीत में इसका उत्पत्ति है, गोमती नदी यहां से निकलती है, ठीक है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे बना हुआ है जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर बताया था, रिहन नदी सोनभद्र जहां पर आपको ये देखने को मिलता है। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील जो सबसे ऊंचाई पर है सिक्किम में। लोनार झील उल्कापिंड के गिरने से बना है महाराष्ट्र में। उकाई झील एक कृत्रिम झील है जो गुजरात में ताप्ती नदी पर बनी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? पुलिकट झील। पहली कौन है? चिल्का। दूसरी कौन है? पुलिकट। कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दो राज्यों की बाउंड्री में पड़ता है।
यहीं पर श्री हरिकोटा द्वीप है और वहीं पर सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है। सबसे गहरी झील कौन है? मानसबल है। तुंगभद्रा झील कहाँ पर है? आपकी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, और उसी से पानी लिया जाता है। हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील कहाँ पर है आपकी? तेलंगाना में है। तो मैप में जो एक्स्ट्रा लिखे हैं वो तो आप ध्यान देने ही देने हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील किसे कहा जाता है? सुपीरियर झील, कनाडा और यूएसए के बीच। सबसे बड़ी खारे पानी की झील विश्व की कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जो रूस में पड़ती है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कैरिबा झील, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच पड़ती है। देखिए ठीक, ये वही पॉइंट हो गए, जैसे हम भारत की बोले तो भारत का हमने बोला वुलर झील सबसे मीठे पानी की है, तो उसी तरह से हमने कहा कि विश्व की कौन सी है, तो सुपीरियर झील हो गई। ठीक है, हम कहेंगे वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो सुपीरियर झील कहाँ पर है? तो कनाडा और यूएसए के बीच में। फिर हमने कहा आपसे सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की कौन सी है? तो चिल्का है। यहाँ की कौन है? कैस्पियन है विश्व की। चिल्का कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो कैस्पियन कहाँ पर है आपका? कैस्पियन सागर जो पड़ेगा। सबसे गहरी झील अपनी कौन सी है भारत की? मानसबल है। अपनी कौन सी है? मानसबल है। लेकिन विश्व की कौन सी है? बैकाल झील है। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील हमारी कौन सी है भारत की? गोविंद वल्लभ पंत सागर। विश्व की कौन सी है? कैरिबा झील। ये दो चार नाम आपको दोनों याद रखने हैं, भारत वाला भी और विश्व वाला भी। तो बहुत वो नहीं, रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। सुपीरियर है, कैस्पियन है, बैकाल है, कैरिबा है, तीन चार नाम है, उन्हीं में से होता है, चारों नाम फिट कर लो भाई। एक सुपीरियर याद कर लो, कैस्पियन याद कर लो, बैकाल याद कर लो, कैरिबा याद कर लो। अब इसमें से आपको पता चली जाएगा जो सुपीरियर है वो सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई। अब कैस्पियन क्या हो गई? खारे पानी की हो गई। बैकाल क्या हो गई? आपकी गहरी हो गई। और सबसे बड़ी कृत्रिम कौन सी है? कैरिबा हो गई, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके थे। आगे बढ़े, सुपीरियर, कैस्पियन, बैकाल और कैरिबा। कैस्पियन क्या है, मीठे पानी की झील या खारे पानी की झील? कैस्पियन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सॉरी सुपीरियर। और कैस्पियन क्या है? खारे पानी की झील। ठीक है, कैरिबा कृत्रिम झील है और बैकाल गहरी झील है। अब आते हैं ट्रिक पर, याद कैसे किया जाए। झील याद करने के लिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर का हम आपको बता रहे हैं। मानस कूलर में पानी डाल रहा था, जैसे ही नाक दिखा वह जम गया। मानस कूलर में पानी डाल रहा था, जैसे ही नाक दिखा वह जम गया। पीडीएफ में है ये सब, ठीक है, जो सेंड किया। तो मानस कूलर में पानी डाल रहा था, तो मानस से क्या हो जाएगा? मानसबल और मानसर। मानस कूलर में पानी डाल रहा था, जैसे ही नाक दिखा वह जम गया। तो मानस से दो मिल जाएंगे आपको, मानस बल मिल जाएगा और मानसर मिल जाएगा। कूलर से वूलर मिल जाएगा, डाल से डल मिल जाएगा, नाग से जितने नाग हैं, एक दो नाग को छोड़कर, एक दो नाग दूसरे राज्य में वो हम बता देंगे, उसको याद कर लें, बाकी सारे नाग यही हैं। बेरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग, ठीक है, देखो बेरी नाग भी यही है, शेषनाग भी यही है, अनंतनाग भी यही है, ठीक है। और जहां नाग होगा तो वहां नागिन होगी, जहां नाग होगा तो वहां नागिन भी होगी, ठीक है। तो कई सारे नाग यहाँ पर है, नागिन भी वही है, ठीक है ना। तो ये हो गए, तो नाग दिखा वो जम गया, ठीक है ना, जैसे ही नाग दिखा वो क्या हो गया? जम गया। तो जमने का मतलब एक प्रकार से नहीं होता है, गड़ गया, अरे वो अपनी जगह पे जम गया, मतलब गड़ गया वही, तो गडसर झील। तो यहां से आप याद रख सकते हैं, जम गया मतलब है वो आपके यहां पर हैं। तो हमने आपसे कहा कि मतलब जल्द थोड़ा सा याद रख सकते हो, लाइन याद रखोगे तो याद हो जाएगा। मानस कूलर में पानी डाल रहा था, जैसे ही नाक दिखा वो जम गया। तो मानस से आपका मानस बल और मानसर हो गया, कूलर से वूलर हो गया, पानी डाल रहा था डल हो गया, नाग दिखा तो जितने नाग हैं, बेरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग और नागिन भी है वहीं, तो जम गया का मतलब गड़ गया। तो गड़सर, विसनसर, सुरिनसर, सतसर,
पहले नाम याद करने होंगे, ट्रिक तब काम करेगी। अरे ट्रिक तो तब न कर पाओगे जब नाम है, अब ट्रिक लेके करोगे क्या जब तुम्हें नाम है नहीं पता होंगे। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे नाग है तो अब नाग नाग चिल्लाओगे, अरे कम से कम पता तो रहे कि नाग का मतलब बेरी नाग है वहां, शेष नाग है वहां, अनंत नाग है वहां, तब ना नाम आएगा। अब हम कह रहे हैं जिसके आगे सर लगा हुआ है, मोस्टली सर, एक दो सर को छोड़कर, तो अब जितने सर लगे हैं अब तुम्हें सर बस सर है याद है, आगे का कुछ पता ही नहीं कि क्या आगे लगता है। कम से कम सुरेंद्र सर पता होगा, सत सर पता होगा, गढ़ सर पता होगा, तब ना। तो पहले पूरे नाम पढ़े जाते हैं कि कम से कम उसको दो तीन बार पढ़ लो ताकि समझ में आए, तब ट्रिक लगाई जाती है कि वो काम करे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका है, ये ट्रिक था जो काम करता है। अगर आपको ट्रिक याद है तो ये काम करता है, नो डाउट। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समय के हिसाब से याद करने होंगे, एक दिन में तो याद नहीं होगा। वूलर झील रामसर साइट है, 1990 में बनी, झेलम नदी का पानी आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, वूलर झील में किस नदी का पानी आता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है, वूलर झील एक गोखुर झील है। दो पॉइंट मिल गए, ये रामसर साइट भी है, दूसरा पॉइंट ये झेलम नदी से इसका पानी आता है, और ये एक गोखुर झील का उदाहरण है। मतलब वूलर झील कहीं ना कहीं झेलम नदी से ही अलग हुई है। झेलम मेन नदी रही होगी, समय के हिसाब से उसका एक पार्ट अलग हो गया होगा और उसने वूलर झील बना दिया होगा, तो गोखुर झील का उदाहरण वूलर झील है। लद्दाख में पेंगोंग झील, लद्दाख में कौन सी झील, पेंगोंग झील। इसके अलावा एक झील और बताई थी, पेंगोंग के अलावा एक झील और बताई थी, पेंगोंग झील बताई थी लद्दाख में, और एक झील बताई थी आपको सो मोरारी झील। सो मोरारी झील, दो झील आपको बताई हमने, एक पेंगोंग और मैप में जो आपका एक है सो मोरारी झील। सो मोरारी झील, सो मोरारी झील। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो दोनों आप ध्यान रखेंगे यहां पर। तो सो मोरारी झील हो गया, पेंगोंग झील हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में घेपन झील, बर्फ से ढकी झील है ये पूरी, घेपन झील, रेणुका झील, गोविंद सागर, कमरू नाग, इसी नाग की बात कर रहे थे, ये नाग वहां पर नहीं है जम्मू कश्मीर में, कमरू नाग हिमाचल प्रदेश में, सूरज ताल, चंद्र ताल, मच्छियाल, करेरी, एक बार पढ़ लीजिए नाम सारे। वैसे इसका एक ट्रिक है लेकिन उसमें सारे नाम नहीं आ पाते, मतलब एक ट्रिक अलग से बनी हुई है, रेणुका हिम पर सूरज चांद की रोशनी में मछली पालती है, रेणुका हिम पर सूरज चांद की रोशनी में मछली पालती है। तो इससे कुछ मेन मेन याद हो जाएंगे। देखो, रेणुका झील हिम से हिमाचल प्रदेश है, सूरज ताल, चंद्र ताल और मच्छियाल, मतलब चार नाम आपको यहां से याद हो जाएंगे। रेणुका झील ये काफी फेमस झील है, रेणुका झील है, सूरज ताल, चंद्रताल और मच्छियाल, ये चार तो आपको याद हो जाएंगे। अगर आप रेणुका हिम पर सूरज चांद की रोशनी में मछली पालती है, रेणुका एक लड़की है, हिम पर सूरज चांद की रोशनी में, तो हिम से हिमाचल प्रदेश है और रेणुका से रेणुका है, सूरज से सूरज ताल है, चंद्र से चंद्र ताल है। जरूरी नहीं कि सारे ताल यहां पर है क्योंकि कुछ ताल उत्तराखंड में भी है। तो सूरज चांद की रोशनी में मछली पालती है तो मच्छियाल, और मच्छी को करेले के साथ खा जाती है करेली। अब जो भी मतलब कुल मिला के नाम पढ़ना है आपको, ठीक है, तो नाम पढ़ करके आप जैसे याद कर सको वैसे याद करो,
भाई अब सबके अपने अपने ट्रिक होती है, अब हमें जिस तरीके से याद है तो हमने अपने तरीके से किया है, कोशिश किया बता दें, लेकिन अपनी ट्रिक अपने के लिए ज्यादा काम करती है ना। तो ऊपर घेपन झील भी आपको ध्यान रख लेना है, गोविंद सागर, कमरूना। गोविंद सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा आपको, इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये गोविंद सागर वही है भाखड़ा नांगल के पास वाला जो है, भाखड़ा नांगल जो बांध बना हुआ है वहीं पर झील है, ठीक है ना। तो भाखड़ा नांगल जहां बना है वही आपका गोविंद सागर झील बनी हुई है वहीं पर, तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे गोविंद सागर झील वाला। और भाखड़ा नांगल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, तो आपको याद रहेगा वो। तो कौन कौन से हो गए आपके, घेपन झील हो गई, रेणुका झील हो गई, ठीक है ना। अब घेपन एक ऊपर का याद कर लो, और हिमाचल प्रदेश की बात हो रही तो भाखड़ा नांगल से आप याद रख सकते हो गोविंद सागर, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और नाग जो थे सारे नाग उधर थे, एक नाग यहाँ पर है कमरू नाग, तो बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा अगर रिवाइज करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। और हमने कहा रेणुका एक लड़की है, हिम पर वो क्या पकाती है, सूरज चांद की रोशनी मछली पालती है वो, तो रेणुका झील है, चंद्रताल है, सूरज ताल है, और आपका मच्छियाल है, करेले के साथ खा जाती है, करेरी है। भाखड़ा बांगल नाथ के नीचे आपका गोविंद सागर है, वो याद कर लो, ठीक है। घेपन झील बर्फ से ढकी रहती है, वो याद कर लो, ठीक है ना। सिंपल सिंपल पॉइंट, बहुत टफ नहीं है। कमरू नाग है क्योंकि बाकी सारे नाग हमारे उधर है, तो यहाँ से चीजें क्लियर हो गई। चौथा आइए उत्तराखंड में, उत्तराखंड का क्या पॉइंट है, नौकु राक्षस। नौकु राक्षस, नौकु राक्षस, नौकु एक राक्षस है, नैनी के साथ, नैनी एक लड़की है, नौकु राक्षस नैनी के साथ खुरपा लेकर, खुरपा जानते हो, हाँ वही खुरपा, अरे घास जो निकाला जाता है खुरपा। तो नौकु राक्षस नैनी के साथ खुरपा लेकर माल निकालने, घास निकालने नहीं गया है, माल निकालने गया है। तो नौकु राक्षस नैनी के साथ खुरपा लेकर माल निकालने कहाँ पहुंचा है, देवताल पहुंचा है। तो कौन राक्षस है, नौकु राक्षस है, और किसके साथ गया, नैनी के साथ गया, क्या लेकर, खुरपा लेकर, क्या निकालना है, माल निकालना है, कहां से, देवताल से। और राक्षस छोटा मोटा तो होगा नहीं, भीम जैसा विशाल होगा, तो अगर नौकु राक्षस याद करोगे तो भीम जैसा विशाल है, ये भी याद हो जाएगा। तो नौकु से बनेगा नौकुछिया ताल, नौकु से बनेगा नौकुछिया ताल, राक्षस से बनेगा राक्षस ताल, और क्योंकि राक्षस भीमकाय होता है तो बनेगा भीम ताल, नैनी से बनेगा नैनी ताल, सात से बनेगा सात ताल, खुरपा से बनेगा खुरपा ताल, माल से बनेगा माला ताल, देव से बनेगा देवताल। और नैनी क्योंकि लड़की है तो नैनी कैसी है, बहुत सुंदर है, रूपवती है, तो रूपकुंड याद हो जाएगा, दोनों याद हो गया भाई, ये विशाल है भीम जैसा है राक्षस, लेकिन नैनी तो सुंदर है, नैनी तो रूपवती है, तो वो है रूपकुंड। एक लाइन आपको याद रखनी है और चीजें सिंपल, ध्यान रखना है क्या, एक राक्षस है, राक्षस का नाम क्या है, नौकु राक्षस है, और किसके साथ गया, नैनी के साथ गया, क्या लेकर, कृपा लेकर, क्या निकालना है, माल निकालना है, कहां से, देवताल से। तो नौकु से क्या बना, नौकुछिया ताल, राक्षस से राक्षस ताल, राक्षस कैसा होता है, भीम जैसा होता है, भीम ताल, नैनी ताल, नैनी के साथ गया था, नैनी कैसी है, रूपवती है, रूपकुंड है, उसके साथ गया था सात ताल, कृपा लेके गया था खुरपा ताल, माल निकालने गया माला ताल, कहां गया, देवताल। किस झील को कंकाल झील कहा जाता है, रूपकुंड, कैसे याद रखोगे ऑप्शन में, लड़कियां रहस्यमयी होती हैं, लड़कियों को कोई नहीं समझ पाया, उनके रहस्य को कोई नहीं जान पाता, ठीक है। तो जो रूपवती है, जो लड़की है, वो रहस्यमयी है, ठीक है, उसके रहस्य को कभी नहीं समझ पाओगे, इससे आप याद कर लो सीधा, रूपकुंड ही ऐसा है, जो रूपवती है वही रहस्यमयी है, खुद कंकाल नहीं बनेगी, दूसरों को कंकाल बना देगी, ठीक है, चलो कंगाल नहीं कंकाल, कंकाल बना देगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, चलिए। तो रूपकुंड याद करने के तरीके, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हमारा नैनीताल है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नैनीताल, ठीक है। अरे
कभी कभी तो वीडियो ओपन कर लिया करो भाई, तुम लोग हद कर दिए हो बिल्कुल है? सामने दिखते नहीं है ये लोग, बताओ। अरे सब लोग रूपवती हो, ऐसा थोड़ो ना हम कुछ कह रहे हैं। अब पता नहीं रहस्यमयी हो नहीं हो वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ रूपवति सब हो, ठीक है। तो ये उत्तराखंड वाला भी क्लियर हो गया सबको, ये आसान है याद करना है। नौकुर राक्षस है, नैनी है, उनके साथ गए खुरपा लेकर माल निकालने और यहाँ पहुंच गए। चलिए पंजाब में वही हिमाचल प्रदेश वाला ही जो गोविंद सागर है, दोनों में पड़ता है ना, क्योंकि भाखड़ा नंगल है ना भाई। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल और पंजाब का है, भाखड़ा हिमाचल का है, नांगल पंजाब का है, इन्हीं दोनों से क्या बना है, गोविंद सागर झील बना है, इसलिए इसका नाम पंजाब में भी आता है। अब आपको ये सब ट्रिक नहीं है अब इनके लिए, अब इनके लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो ट्रिक वाले थे हमने बताया, कहीं और ट्रिक आएगा तो बताएंगे। हरियाणा में कौन कौन सी है, सूरज कुंड है, बहुत बड़ा मेला लगता है सूरज कुंड मेला, अगर आप सुने हो तो हरियाणा में बहुत बड़ा मेला लगता है, क्राफ्ट मेला लगता है, बहुत दूर दूर से विदेशों से लोग आते हैं, सूरज कुंड का मेला लगता है। दिल्ली से जब आप चलेंगे इधर पलवल वलवल साइड तो उस तरफ आपका फरीदाबाद के पास उधर सूरज कुंड का मेला पड़ता है। बड़खल झील है यहाँ, बड़खल झील, दमदमा है, सोहना है, ये तो जगह के नाम से ही है, सोहना जगह ही पड़ती है वहां पर। अब ये दमदमा वो वाला नहीं है, एयरपोर्ट वाला नहीं है दमदम जो, ठीक है ना, ये दमदमा हरियाणा वाला है। तो ये चार झील हैं जो आपको याद रखनी होंगी। सूरज कुंड आप याद रख सकते हो, मेला लगता है, वो जगह है वहां पर, सोहना जगह है आपकी, ये दो तो याद हो जाती हैं, बाकी बड़खल और दमदमा दो और पढ़ने होंगे आपको, चार, ठीक है, ओके। सूरज कुंड जहां मेला लगता है, सोहना वो जगह है वहां पे, बड़खल है और दमदमा है। तो हमने हरियाणा तक का आपको बताया। देखिए मैप में जरा, आपके क्या मैप में आपको दिखाया गया था, तो देखो मैप में आपके हरियाणा में कुछ नहीं दिखाया गया, ये हरियाणा है तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिखाया है, पंजाब में नहीं दिखाया है आपको, लेकिन हाँ यहाँ पर जरूर दिखाया था हिमाचल प्रदेश में। देखो रेणुका झील दिखाई थी, सूरज ताल दिखाया था, चंद्रताल दिखाया था, नाको झील एक है यहाँ पर, और इसके अलावा हमने आपको और बहुत सारे दिखा दिए जो हिमाचल प्रदेश में थे, मच्छियाल, करेरी है ना, घेपन झील, ये सब आपको बताया, कमरूनाग सब यहाँ बताया था। उत्तराखंड में कौन कौन बता दिए, अब उत्तराखंड में यहाँ ज्यादा तो नहीं है देखो, बस इतने से हैं, लेकिन ट्रिक में बहुत सारे हैं। अब जैसे इन्होंने केवल सात ताल दिया है, भीमताल दिया है, रूपकुंड दिया है, नैनी झील का मतलब वही नैनीताल झील है, हम लोगों ने इसके अलावा कई सारे पढ़ लिए, ठीक है। हरियाणा के हमने चार पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए, सूरज कुंड, रूप सूरज कुंड हो गया, बड़खल हो गया, दमदमा हो गया, और एक कौन सा हो गया, सोहना। यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट हमने आपको फुलहर झील बताई दिया है पहले, लेकिन बाकी भी देख लीजिए क्योंकि दूसरे से भी आ सकते हैं। तो सबसे फेमस हमारा फुलहर झील है, मादो, टांडा, पीलीभीत जगह जो पड़ती है, गोमती नदी का उद्गम। इसके अलावा जो हमारी है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये तो सबको याद ही करा दिया है कृति में, तो ये दोनों तो हमने याद ही कर लिए थे। एक बचती है भीखा झील जो एक इंपॉर्टेंट झील होती है, और एक झील है करेला झील, ऊपर करेरी लिखा था, करेरी, और नीचे करेला, जो पतली सी मरेली सी होती है वो करेरी हो गई, जो बढ़िया होता है वो करेला हो गया, ठीक है। तो जो बढ़िया पतली सी करेरी है, क्योंकि रेणुका है ना लड़की, तो रेणुका जैसी वो करेली भी है, और यहाँ करेला है, तो ठीक है यूपी में, चलिए समझ लीजिए। तो फुलहर हो गया यार सबको, फुलहर झील, दूसरा कौन सा हो गया, भीखा झील, गोविंद और करेला, दो तो याद हो जाएगा, फुलहर याद हो जाएगा और एक आपका गोविंद, ये पहले से याद है, दो आपको याद करने होंगे, भीखा और करेला। बिहार का ये वाला झील बहुत फेमस है, कांवर झील, इससे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको कांवर झील भी कहा जाता है, इस तरह से ये काफी फेमस झील है वहां की। तो बिहार में है कांवर झील, घोघा झील, कांवर, घोघा और कुशेश्वर स्थान झील, सब न याद हो तो कम से कम कांवर जरूर याद रखना, कांवर मत भूलना, कुंवर याद कर लो या जैसे भी कर सकते हो याद कर लो, बिहार में कांवर होता है होटल, बाकी घोघा कुशेश्वर तीनों। गुजरात में दो हमने आपको बताया हुआ है, नल सरोवर, उकाई झील, ये मैप में ही था, नल सरोवर और उकाई झील मैप दिखाया था, तो नल सरोवर उकाई दोनों कहाँ थे आपके, गुजरात वाले में, ठीक है ना, उकाई ताप्ती नदी के उधर जो कृतिक उस पे बना हुआ है। दो और है यहाँ पर, अब इसी सर की बात कर रहे थे हम, देखिये ज्यादातर सर जो थे वो जम्मू कश्मीर में थे, याद है,
गढ़ सर, सुरेंद्र सर, सत सर, ये सब थे वहां, लेकिन हमीर सर एक सर है जो आपका वहां नहीं है, वो गुजरात में। तो ये जो थोड़े से अलग होते हैं इनको थोड़ा याद कर लिया करो। जैसे अब हमने कहा कि ताल, ज्यादातर ताल आपके हैं उत्तराखंड में, लेकिन दो ताल ऊपर भी हैं, चंद्रताल और सूरज ताल। जैसे हमने कहा ज्यादातर नाग है जम्मू कश्मीर में, लेकिन एक नाग जो था हमारा वो कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में, कमरू नाग। वैसे ही जो कई सारे सर हैं, सर जिसके आगे लगा है वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन हमीर सर जो है वो आपका गुजरात में। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा, अगर हमें हमीर सर याद रहा तो बाकी सारे सर हमारे जम्मू कश्मीर याद आ जाएंगे। अगर हिमाचल प्रदेश में हमें दोनों ताल याद रहे, चंद्र ताल और सूरज ताल, तो बाकी ताल कहाँ हो जाएंगे, उत्तराखंड में हो जाएंगे। अगर हमें कमरू नाग याद रहा हिमाचल प्रदेश में, तो बाकी नाग कहाँ हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। तो इस तरह से याद करने के तरीके हैं, क्योंकि इतनी झीलें हैं कि आप याद करते करते परेशान हो जाएंगे। और ये कितनी पढ़ा चुके हैं आपको, जो एग्जाम पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, सारे नाम हमने शुरुआत में दिखा दिया। लोनार झील याद करा दिया था, ये एक उल्कापिंड से बनी हुई झील है, उल्कापिंड गिरा था महाराष्ट्र में और ये बन गया था। कर्नाटक में तुंगभद्रा आपको हमने पहले ही बताया, ठीक है ना, क्योंकि नदी है वहां पे, झील भी वही है। पंपा सरोवर, ये यही पड़ता है आपका कर्नाटक में, पंपा सरोवर। आपको बता दें इस कर्नाटक में ही जो जगह पड़ती है हम्फी वाली, और जिसको विजयनगर कहा जाता था, इस विजयनगर साम्राज्य के पास ये हम्फी में ही पंपा सरोवर। कहा जाता है कि यहीं पर किष्किंधा की पहाड़ियां थी, जहां पर सुग्रीव थे, और हम्पी वाला जो इलाका है विजयनगर वाला, वहीं पर पंपा सरोवर है, जहां रामचंद्र जी लोग जब आए तो लोग पंपा सरोवर में स्नान करते थे, मतलब ये कहा जाता है उस समय, रामायण वगैरह में भी सब चीजें बताई हैं। वहीं पर हजार रामा स्वामी मंदिर ये सब बना हुआ है, तो पंपा सरोवर एक अच्छा स्थान है वहां पर, ठीक है ना। वो एक झील है, तालाब कह लो, झील कह लो, वैसे वो झील का नाम दिया गया है उससे कर्नाटक में। और तुंगभद्रा झील, क्योंकि वहां पे है, तुंगभद्रा नदी से बनी है। बस एक आपको याद करना होगा बेलांदो, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में भी हमने पंपा सरोवर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बेलांदूर एक जगह आपका ये है कर्नाटक में, तीन हो गई। तो एक तुंगभद्रा जो नदी भी वहां पर है, एक बेलांदूर हो गई, और एक हो गई आपकी कौन सी, पंपा सरोवर। ओडिशा में चिल्का झील सबको पता हो गई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने याद कर ही लिया है। ये एक रामसर साइट है। लैगून क्यों है, क्योंकि सॉल्ट वाटर है और ये समुद्र के किनारे बिल्कुल है, तटीय इलाके में, ठीक है ना। एक कुछ उथले स्थान से, यानी कि बीच में बालू आ गया होगा, उसके इस तरफ चिल्का है और उस तरफ समुद्र है। कौन सा तट पड़ता है, उत्तरी सरकार तट। ये तट हम सब पहले बता चुके हैं आपको, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, कोंकण तट, ये सब डिस्कशन किया जा चुका है। तो यहां से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग को मिलता है कौन, अंशुपा झील विक्टोरिया, ये बाद में पढ़ सकते हो आप, समय मिले तो पढ़ लेना, नहीं तो आप चिल्का झील रखिए, आपके पेपर के लिए चिल्का ही इंपॉर्टेंट होती है। लिखा है, जब सब याद हो जाए, समय मिले तो याद कर लीजिएगा। राजस्थान की सारी झीलें इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वही जो सांभर झील आप पढ़ते हैं वो वाली, क्योंकि वो एक रामसर साइट भी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन राजस्थान की झीलों को याद करना ही होगा, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और ये पेपर में आते हैं ऑप्शन। तो इसको याद कैसे करेंगे आप, इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक आप शायद है इसमें, हाँ देखो, पहले नाम पढ़ लो एक बार ताकि ट्रिक समझ में आए। सांभर झील, लूनकरण झील, पचपदरा, नक्की, राजसमंद, बालसमंद, ढेबर या जयसमंद, पुष्कर झील, दिडवाना, फतेह सागर, पिछौला, कोलायत, उदय सागर झील, करीब 12-13 झीलों के नाम लगभग दे दिए, जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं पेपर में, सब लिख दिया है। अब आप समझिए, पुष्पा रानी को फंसा लूं जरा, ट्रिक है राजस्थान की, किसको फंसा लूं, पुष्पा रानी को फंसा लूं, ठीक है ना। तो पुष्पा रानी को फंसा लूं जरा, अब पढ़िए जरा ट्रिक, पुष्पा से क्या बनेगा, पुष्कर झील, पुष्पा, ठीक है। तो पुष्पा में प सब आ रहे हैं, तो तीनों प वाले तीनों आ जाएंगे, ठीक है ना। पुष्पा में एक पुष्कर आ जाएगा, पिछौला आ जाएगा और पचपदरा आ जाएगा,
तो पहले तीनों नाम आपको पढ़ने होंगे, पुष्पा झुकेगा नहीं है, तो पुष्पा रानी को फंसा लूं जरा, पुष्कर, पचपदरा, ठीक है, और पिछौला, तीनों पास से आने वाले नाम पुष्पा में हो गए। रानी, तो रानी में र आ रहा है, तो र से आप देखिए एक बन रहा होगा राज संबंध, न से आप कर सकते हैं नक्की, तो रानी में एक हो जाएगा राज संबंध और एक हो जाएगा नक्की, राज संबंध और नक्की। पुष्पा क्लियर? पुष्पा में कितने नाम? तीन, पुष्कर, वॉइस नहीं आ रही थी, तो आंध्र प्रदेश की बात की हमने, तो दो मेन इसमें है आपकी, बाकी है तो नागार्जुन सागर, निजाम सागर सब है, लेकिन दो सबसे ज्यादा जो याद रखने ही रखने आपको, ये आंध्र प्रदेश का जब भी आता है तो ये दो नाम ही आपको ज्यादातर मिलेंगे, एक पुलिकट मिलेगा, एक कोलेरू मिलेगा। तो पुलिकट बार बार आप याद कर चुके हैं, कोलेरू को याद कर लो आप, बाकी नागार्जुन सागर, निजाम सागर अपना पढ़ लेना, कन्यारी झील, तेलंगाना, हुसैन सागर आपको हमने मैप में दिखाया, उस्मान सागर, ये दोनों झील हमने तेलंगाना में आपको दिखा दिए, वहां पर आपने देखा है मैप में, हुसैन सागर और उस्मान सागर। केरल में कई सारी हैं, लेकिन हमने दो तीन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई थी, वेम्पनाड, अष्टमुडी, पेरियार
सास्थान कोट्टा, एक दो तीन चार, ये चार हमने आपको बताया तो सबसे इंपॉर्टेंट थे। जैसे से वेमनाड जो थी वो एक रामसर साइट है, वेमनाड झील, यहाँ वेलिंगटन द्वीप है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राज, अब नहीं है खैर, ये तो पहले था, अब तो चेंज हो गया। अष्टमुड़ी जो है आपका वो क्या है, रामसर साइट है, लैगून, रामसर साइट है, लैगून ये भी है। पेरियार एक कृतिम है जिसमें पेरियार नदी से पानी आता है। सास्थान कोटा क्वीन ऑफ लेक, क्वीन ऑफ लेक, झीलों की क्वीन किसे बोलते हैं, सास्थान कोटा। चार मेन झील है वेम्बनाड, पेरियार, अष्टमुड़ी, सास्थान कोटा। जब मेन मेन याद हो जाए तब बाकी याद क्या करिए, क्यों, क्योंकि हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पहले देखना है कि एग्जाम में कौन से पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है ना। जब वो याद हो जाए फिर उसके बाद अपना पढ़ते रहिएगा। तमिलनाडु के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वैसे तीनों याद कर लो, इसके तीनों ही सही हैं। चेम्बरम बक्कम, ये तो आपके मैप में दिखा दिया था क्योंकि यहाँ से एक नदी है अडयार नदी, वो जाती है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अडयार नदी किनारे एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, वो हम हिस्ट्री में आधुनिक भारत में बताए हुए हैं। पुलिकट झील, ये वही झील थी जो दोनों में थी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 84-16%। हरिकोटा नामक द्वीप था और सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र था। कोडे कैनाल, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन भी आने लगा है कोडे कैनाल वाला, क्योंकि ये कृत्रिम झील है। जिस तरह से पेरियार उधर कृत्रिम झील थी, इधर आपके तमिलनाडु में कोडे कैनाल है। एक झील और होती है काली वैली, वो भी याद कर सकते हो आप काली वैली। वैसे ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, कोडे कैनाल, पुलिकट और चेम्बरम बक्कम। चेम्बरम बक्कम दो तीन बार नाम बोल लो पहले, ठीक है। तो एक है आपका कौन, कोडे कैनाल, और दूसरा कौन सा है आपका, पुलिकट, तीसरा कौन है, चेम्बरम बक्कम, चेम्बरम बक्कम। सिक्किम की एक झील जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने वो बता दी थी, बाकी आप कोडे कैनाल, पुलिकट, चेम्बरम बक्कम, केरल में आपका है सास्थान कोट्टा, ध्यान रखिएगा उधर ऊपर, अष्टमुड़ी, पेरियार, वेम्बनाड, यहाँ है कोडे कैनाल, चेम्बरम बक्कम, ठीक है, और पुलिकट, काली वैली भी है तमिलनाडु में, क्वीन ऑफ लेक, सास्थान कोट्टा। सिक्किम क्लियर हो गया ये दोनों। पश्चिम बंगाल, संचल, रविंद्र सरोवर और संतरागाछी, बहुत ज्यादा नहीं है, तीन याद कर सकते हो। त्रिपुरा में डम्बुर है, रुद्र सागर है, अब इनके लिए ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे याद ही करना होगा आपको, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में आपका सांगेतसर और सलालेख, दोनों इंपॉर्टेंट है, सांगेतसर और सलालेख, सलालेख पूछा जा चुका है क्वेश्चन, सलालेख का ये क्वेश्चन आ चुका है, तो सांगेतसर और सलालेख ये दोनों है आपका। अब इधर के नाम थोड़े अलग अलग है तो आपको ये थोड़ा बार बार पढ़ना पड़ेगा। चंडीगढ़ में एक झील है सुखना झील जो काफी फेमस है। मणिपुर लोकटक, ये तो याद ही आपको। मिजोरम में पलक झील, रंगदिल और तमदिल, पलक बहुत रंगदिल है, पलक बहुत रंगदिल है और तुम बहुत संगदिल हो, तो पलक हो गई, रंगदिल हो गई, तो पलक झील हो गई, रंगदिल हो गई और तमदिल, पलक, रंगदिल, तमदिल, दो तीन बार पढ़ा करो चीजें याद हो जाएंगी, बार बार पढ़ोगे तो माइंड में सेट हो ही जाता है, ठीक
क्योंकि अब दो तीन के लिए क्या ट्रिक बनेगी, दो तीन के लिए थोड़े ना कोई ट्रिक बनेगी। नागालैंड, सिलोई झील, सिलोई सिलोई। असम, शिवसागर, हाफलॉन्ग, बेटाबिल, चपनाला। चपनाला फेमस है, चपनाला असल में किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, चपनाला वाला, ये चपनाला वाला असम का क्वेश्चन आ चुका है। और मेघालय में डाउकी उमियम। आपको ये नॉर्थ ईस्ट वाले बार बार पढ़ने पड़ेंगे, एक नॉर्थ ईस्ट वाला एक साउथ वाला, क्यों इनके नाम ऐसे हैं कि आपको जल्दी याद नहीं होंगे। जैसे मेघालय है डाउकी, क्या नाम है डाउकी उमियम। अब क्या बनाया जाए इसको, आप इसको बार बार आप पढ़ ही सकते हो केवल डाउकी और उमियम, ठीक है ना, डाउकी और उमियम दो तीन बार तीन चार बार पढ़ो ताकि माइंड में थोड़ा नाम आए, डाउकी उमियम, डाउकी उमियम। मेघालय, असम में आपको हमने चपनाला सबसे इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, है ना। वो चपनाला है, हाफलॉन्ग है, बेटाबिल है, शिवसागर है, ऊपर डाउकी है और उमियम है। नागालैंड में सिलोई है। अब देखो इसको याद करने का तरीका तो था, शिलोंग से याद कर सकते थे, लेकिन दिक्कत यह है कि नागालैंड की राजधानी क्या होती है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है ना, तो आप शिलोंग याद कर सकते थे कि, लेकिन नागालैंड की राजधानी नहीं है ना वो, नागालैंड की राजधानी हमारी कोहिमा है, तो अब ये नहीं तो सिलोई से शिलोंग बन जाता, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा फिर, तो सिलोई झील आपकी हो जाएगी नागालैंड में। जल्दी बताइए मेघालय की झील, मेघालय की दोनों झील। कोई टाइप नहीं किया अभी तक। डाउकी और उमियम, मेघालय की कौन सी है, डाउकी और उमियम। कोई बात नहीं, ठीक है, मन में ही पढ़ लो तुम लोग, डाउकी और उमियम, बहुत आलसी हो गए। असम की एक को कैंडिडेट नहीं टाइप किया है, एक लाइन नहीं टाइप किया किसी ने, मतलब ऐसी हालत कर दी हो तुम लोग, जैसे जैसे तैयारी का आगे बढ़ रहा है एग्जाम का वैसे आलसपन आ रहा है। चपनाला, बेटा नाला में गिर गया चप्पल पहन के, बेटा बिल हाफ चप्पल पहना था, शिव नाम का बेटा था, हाफ चप्पल पहना था, नाला में गिर गया। शिव सागर, हाफ लॉन्ग, बेटा बिल और चपनाला। सिलोई कहाँ की झील है, सिलोई, सिलोई कहाँ की झील है, नागालैंड के सर, वेरी गुड, सिलोई नागालैंड। मिजोरम में तीन दिन, मिजोरम में तीन बताए थे, पलक रंगदिल तमदिल, पलक रम पी के रंगदिल और तमदिल हो गई, पलक ने रम पिया और वो रंगदिल हो गई, पलक रंगदिल तमदिल। मणिपुर का याद ही रहेगा, चंडीगढ़ का सुखना झील,
स्क्रीन रुक जाती है क्या बीच में, है ना, नेटवर्क चला जाता, वैरी करने लगता है। तो हमने उधर के बता दिया आपको सारे। देखिए सिक्किम से अगर आप शुरू करते हैं तो सिक्किम से अगर नॉर्थ ईस्ट का आप शुरू करते हैं बहुत सिंपल है, बार बार पढ़िए याद हो जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना सिंपल होता है, ठीक है ना, इसमें कोई और तरीका नहीं होता, कोई घोल के नहीं पिला सकता जब तक स्टूडेंट खुद उसको याद ना करे। तो अगर आप सिक्किम से स्टार्ट करेंगे तो चुलामू झील सबसे ऊपर है जहां से तिस्ता नदी निकलती है, उसी सिक्किम में गुरु डोंगमार झील है दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंचाई पर है, पहले चुलामू है फिर डोंगमार है। असम में जब आप आते हैं तो असम में आपको शिव सागर मिल जाता है, ठीक है, शिव नाम का बेटा है तो बेटा बिल हो गया, हाफ चप्पल पहने हुए तो हाफ, ठीक है, चपनाला, चप्पल पहन के नाला में गिर गया तो शिव सागर बेटा बिल हाफ लांग चपनाला। नीचे उसके देखो मेघालय आता है, मेघालय में डाउकी और उमियम है आपके, ठीक है, उधर नीचे आओगे त्रिपुरा आता है, ठीक है, त्रिपुरा में आपका कौन सा है, रुद्र सागर है, डम्बूर है, और त्रिपुरा के बगल में आप आइए मिजोरम में तो रम पी के पलक रंगदिल हो गई, तो रम पिया मिजोरम पलक हो गई, रंगदिल हो गई, तमदिल हो गई, ऊपर मणिपुर लोकटक आपको याद ही है, नागालैंड में सिलोई है, अरुणाचल प्रदेश में दो ही आपको याद रखनी है, सांगेतसर और सलालेख, सिंपल सा उधर हो गया। फिर नीचे जब इधर आते हैं पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में आपको कौन मिलेगा, संचल झील मिलेगी, रविंद्र सरोवर और संतरागाछी मिलेगी। बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए जिससे वो याद हो जाए, ठीक है। जिससे जीके भी आपके तैयार है, संचल, रविंद्र सरोवर और संतरागाछी। पश्चिम बंगाल पहुंच गए, अब पश्चिम बंगाल से नीचे आए उड़ीसा, बताइए उड़ीसा में कौन फेमस झील है, उड़ीसा की सबसे फेमस झील कौन है, चिल्का है, चिल्का ही तो है सबसे फेमस झील। नीचे आप आइए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो सबसे फेमस झील कौन है, दो बताइए आपको, एक कोलिकट और एक कोलेरू, सबसे फेमस झील दो बताइए आपको आंध्र प्रदेश में, कोलिकट और कोलेरू। तमिलनाडु में आइए तो तमिलनाडु में आपको हमने बताया था कोलिकट भी पड़ेगी वहां, चेम्बरम बक्कम पड़ेगी वहां, ठीक है ना, कोडाई कनाल पड़ेगी, तीन झील के बारे में बताया था हमने वहां पर, क्लियर है, मतलब बार बार याद करिए जिससे वो चीजें याद हो जाए। झील का टॉपिक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, हमने कई बार रिपीट कर दिया जिससे आपको अब तक ये थोड़े बहुत नाम याद हो जाने चाहिए थे। जैसे अगर हम केरल में कहें तो केरल में चार झील मेन थी आपकी, चारों अच्छी झीलें हैं जो बार बार क्वेश्चन होता है, मेम्बनाड है, अष्टमुड़ी है, ठीक है ना, और एक आपकी पड़ती है पेरियार, एक है सास्थाम कुट्टा, ठीक है ना, तमिलनाडु में उधर आप देखो उसी के बगल में तो कोडाई कनाल है, सास्थाम कुट्टा के उधर देखो कोडाई कनाल रखा हुआ, ठीक है, कालीबेली है उधर पे, उसके अलावा उसमें आपको क्या पड़ता है, कोलिकट भी पड़ता है वहां पर, है ना, चेम्बरम बक्कम पड़ता है। कर्नाटक में आपको बताया हुआ है, कर्नाटक में कुछ ना याद आए तो कम से कम तुम भद्रा याद कर लो, ठीक है, पंपा सरोवर याद कर लो, उसके अलावा जो जगह पड़ेगी अब वेलांदूर है तो वो याद हो जाएगा कर्नाटक में। फिर इधर आप आओ महाराष्ट्र में तो लोनार झील सबसे फेमस है जो क्रेटर से बनी है, इसके अलावा पोवई झील आपको हमने दिखाया था उसमें कौन जो था, क्लियर है। राजस्थान की बहुत बड़ी फेमस झीलें थी आपकी, पुष्पा रानी, तो फसालू जरा, ठीक है, ऊपर आइए आपका गुजरात में नल सरोवर वो काई था, यूपी में आपको हमने बताया था करेला करके बताया, भीखा करके बताया, फुलहर झील बताई, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बताया, ठीक है, उधर आप चंडीगढ़ में सुखना झील आपने देखा, हरियाणा में आपको तीन चार नाम बताए थे, सोहना बताया था, ठीक है, इसके अलावा आपका रूप कुंड वाला जो बनता है वो बताया आपको, बड़खल है वहां पर, ठीक है, ऊपर आप आइए उत्तराखंड में ढेर सारे बताए, नौकू राक्षस वाला ट्रिक जो बताया था, नौकू राक्षस नैनी को साथ लेकर माल निकाल, खुरपा लेकर माल निकाले देवताल गया। हिमाचल प्रदेश में आपको हमने रेणुका वाली कहानी सुनाई कि रेणुका जो है वो हिम पर चंद्र और सूरज की रोशनी में मछली पालती है, तो रेणुका झील तुरंत नाम आ गया था, हिमाचल हो गया था। फिर उसके बाद आपका आ गया था कौन, चंद्रताल, सूरज ताल, घेपन झील, ठीक है, गोविंद सागर झील आ गया था, करेरी झील आ गया था। जम्मू कश्मीर की बहुत अच्छी ट्रिक आपके पास है याद करने की, ठीक है। इसके अलावा जो मेन मेन क्वेश्चन थे, सबसे लंबी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लैगून झील, ठीक है ना, गोखुर झील का एग्जांपल जैसे कि बुलर है, नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका लोकटक वाला झील है वो है आपका,
ठीक है ना, रामसर साइट, मॉन्ट्रेक्स, ये सब आपका पूरा टोटल झील का टॉपिक होता है। ओके ठीक है, देखो यहाँ पर ये सब झील आ गई ना यहाँ, अब मैप में अब समझ में आ रहा होगा, सांभर, पुष्कर, नक्की झील, पंचभद्र, जिसको पचभद्रा कहते हैं, इसी को पचभद्रा कहा जाता है, पचभद्रा, पचभद्रा इसी को कहते हैं पंचभद्र को, राजसमंद है, नक्की है, ठीक है, सब याद हो गया होगा, हुसैन सागर, उस्मान सागर, कोलेरू झील, चिल्का झील तो ऊपर पड़ गई, कोलेरू इधर पड़ेगी आपकी, पुलिकट पड़ेगी इसमें, ये तमिलनाडु में जो वीरानम झील बताया हमने, कालावेली एक पड़ी थी, कालीवेली पड़ी थी, मरम्बक्कम पड़ी थी। ओके बस, तो ये आपका झील वाला टॉपिक बहुत डिटेल में हमने समझा दिया, इवन आपके विश्व के भी हमने यहीं पे बता दिए, जो विश्व वाला भी था वो भी हमने यहाँ बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे अपना, तो कल शुरू करते हैं उसको, ठीक है, झील वाले को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा याद करते चलिए साथ के साथ, जिससे दिक्कत ना है, जो अभी तक पढ़ाया है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, पीडीएफ देखिए, जो पीडीएफ सेंड किया है कम से, कई सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं हम आपको, पर्वत पढ़ा चुके हैं, पठार पढ़ा चुके हैं ना, मैप को थोड़ा ध्यान रखिए जिससे चीजें हो जाए, लेकिन थ्योरी पढ़नी भी जरूरी है, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो मेन मेन पॉइंट्स नहीं आएंगे उसमें, भाई मैप से केवल मैप का इमेज बना पाओगे, चीजें थोड़ा याद रहेंगे लेकिन भी थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, तो शीट रखो सामने, मैप देखो, शीट से उसकी थ्योरी पढ़ो, बिल्कुल सेट हो जाएगा माइंड में, मतलब आपके दिमाग में आने लग जाएगा, जैसे कि मतलब हमने कहा माउंट एवरेस्ट, तुरंत क्लिक कर जाएगा, अच्छा मैप में यहाँ पे माउंट एवरेस्ट था, हमने कहा आपसे कार्डमम पहाड़ी, मैप आपने देखा तो आपको पता चल जाएगा केरल में सबसे नीचे है, इसे थोड़ा आएगा छोटा नागपुर पठार तो याद आ जाएगा, अच्छा झारखंड में बताए थे वहां पर, मालवा पठार तो एमपी वाला जो रीजन पढ़ रहा था वहां, दोनों चीजें करनी है, लेकिन अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं कर नहीं पाओगे, मैप आपको एक आइडिया देगा जिससे वो चीजों को जल्दी लर्न किया जा सके, दोनों ध्यान दिए जाते हैं। ओके आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग मिलते हैं, कल नया टॉपिक देखेंगे, कल मिट्टी वगैरह का कोई टॉपिक शुरू करते हैं, तो सॉइल पढ़ा देंगे, ठीक है ना, मिट्टी वाला टॉपिक पढ़ा देंगे आपको कल। ओके थैंक यू एवरीवन, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान मत होइए, जितना पढ़ाया जा रहा है रिवाइज करते रहो। थैंक यू एवरीवन।